After the high of the 2019 Lok Sabha elections, another shocker for the BJP. After losing Maharashtra, the Saffron Party suffers a blow in Jharkhand. A united opposition stages a stunning resurgence. The Congress JMM RJD combine ended the reign of Jharkhand's first non-tribal CM who managed to complete his term. आज निश्चित रूप से एक नया अध्याय शुरू होगा इस राज्य के लिए और इस राज्य के लिए यह अध्याय यह वक्त जो होगा यह एक मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय के हो चाहे नौजवान हो किसान हो महिला हो व्यापारी हो बूढ़े बच्चे हो किसान हो मजदूर हो या सभी आप पत्रकार मित्र भी क्यों ना Soren is set to be chief minister of the state again. The result holds a stark lesson for the BJP. A lower tally in both Maharashtra and Haryana months ago and now a stunning blow in Jharkhand. देखिए जो भारतीय जनता पार्टी या हमारी जो अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा के अनुरूप हमें जनादेश नहीं मिला और जो भी जनादेश राज्य की जनता ने दी है हम उसका स्वागत करते हैं और सम्माननीय श्री हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन को राज्य की जनता ने जनादेश दिया तो श्री हेमंत सोरेन जी को और सभी निर्वाचित विधायक को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो विकास की गाड़ी पाँच वर्ष में हमारी सरकार ने चाहे वो गरीब हो दलित हो आदिवासी हो या समाज के अन्य वर्गों के जो विकास की गाड़ी जो उसको और गति देकर जो अलग राज्य के लोगों की आकांक्षाएं थी अपेक्षाएं थी उस सपना को पूरा करने का काम आने वाली सरकार करेगी The tally also shows that the BJP needs to depend more on its allies at the provincial level. Did fighting the Jharkhand polls without its ally AJSU cost BJP the throne? The results assume greater significance since Delhi Assembly elections are just months away. Question is, will the centre's move to amend India's citizenship law help reverse its luck or only corner the party further? भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों